Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss a poem on page number 123, that is Sea Fever. The title of our poem is Sea Fever, and who wrote this poem? John Edward Masefield. John Edward Masefield is the poet of this poem, Sea Fever. Okay? And this poem contains 12 lines and it is divided into 3 quatrains. And the rhyming scheme of this poem is AABB. And it was published in 1902. पोयम है हमारी सी फीवर ऑन पेज नंबर 123 और इसको किसने लिखा है? जॉन एडवर्ड मेसफील्ड. जॉन एडवर्ड मेसफील्ड ने इस पोयम को लिखा है और इस पोयम में आपकी 12 लाइन्स हैं और इसको 3 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड किया गया है. हाउ? क्वाड्रेंट्स मीन्स जो हम फोर्थ का ग्रुप बना देते हैं. लाइक दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 लाइन्स, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लास्ट क्वाड्रेंट. ओके? एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम इज AABB. हाउ? स्काई, स्काई को हमने ए कंसीडर किया है. नेक्स्ट बाय को हम क्या कंसीडर करेंगे? अगेन ए. वाई? बिकॉज दीज आर राइमिंग वर्ड्स, स्काई, बाय, शेकिंग, ब्रेकिंग, टाई, डिनाइड, फ्लाइंग, क्राइंग. तो ये सेम साउंड्स हैं इनकी. स्काई, बाय की सेम साउंड है तो इसलिए हमने इन दोनों को ए कंसीडर किया है. नेक्स्ट शेकिंग की साउंड अलग है तो हमने इसको बी कंसीडर कर लिया है. शेकिंग, ब्रेकिंग सेम साउंड है तो अगेन हमने इसको बी कंसीडर कर लिया. तो फर्स्ट स्टैंजा की, फर्स्ट क्वाट्रेन की जो हमारी राइमिंग स्कीम हुई है वो हुई है AABB. ओके? सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम इज AABB. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. Considered a classic, this poem beautifully captures the love a sailor has for the sea and all the various elements of nature that are found there. अब जो सेलर हैं, जो पॉइट हैं, वो सी से बहुत ज़्यादा लव करते हैं. वो ये चाहते हैं कि वो एक सी ट्रैवलिंग करते रहें, सी वॉयज पर निकल पड़ें और वहाँ पर जो नेचर के बहुत ब्यूटिफुल एलिमेंट्स हैं, वेरियस एलिमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ जाकर देखें. First stanza, I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं पॉइंट? आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई. कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? आई मस्ट गो टू अ सी वॉयज अगेन. मुझे दोबारा से एक समुद्री सफ़र पर निकलना चाहिए. टू द लोनली सी एंड द स्काई, जहाँ पर जो उसका सी है वो बिल्कुल कैसा होगा? बिल्कुल लोनली होगा, बिल्कुल अकेला होगा. उसका आसमान बिल्कुल अकेला होगा. वहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा. मैं होऊंगा और बस कौन होगा? सी होगा. सेकेंड लाइन, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. और मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ एक टॉल शिप चाहता हूँ, एक ऐसा स्टार चाहता हूँ जो मेरे डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके, मेरी शिप की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके. स्टीयर मीन्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल. एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग. और अब ये क्या कहते हैं? और मुझे क्या चाहिए? आई नीड ऑल दीज थिंग्स, व्हील्स किक, विंड सॉन्ग, वाइट सेल्स शेकिंग. मुझे सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है. जो शिप का जो व्हील है, जब वो आगे की तरफ चलेगा, जब हवाएं गाना गाती हुई आगे बढ़ती जाएंगी, जो विंड्स जब चलेंगी तो ऐसा लगेगा कि जो विंड्स हैं वो गाना गा रही हैं. एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, एंड वाइट सेल्स शेकिंग मीन्स जो शिप के ऊपर वाइट कलर का जो सेल लगा हुआ है, जो एक क्लॉथ लगा हुआ है, जब वो हिलेगा, मुझे उन सब की साउंड्स को सुनना है. And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. Mist means fog. Sea's face means here surface of sea. Okay? अब ये क्या कहते हैं? And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. और जो अब सी की सरफेस पर, सी के फेस पर जो मिस्ट आ गई है ग्रे कलर की, जो फॉग आ गया है ग्रे कलर का, and a grey dawn breaking. Dawn breaking means when daylight first appears, जब हल्की हल्की सी सुबह को रोशनी होती है. ओके? दैट्स कॉल्ड डॉन ब्रेकिंग. तो उस पर भी कैसा लगता है कि बिल्कुल वो ग्रे कलर का हो गया है. सी का सरफेस भी मुझे ग्रे कलर का लगता है. जो सुबह की हल्की हल्की सी रोशनी है, मुझे वो भी ग्रे कलर की लगती है. हेयर ग्रे कलर डिनोट्स द फीलिंग ऑफ सैडनेस. ओके? जो ग्रे कलर पॉइंट कह रहे हैं बार बार, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? सैडनेस को डिनोट कर रहे हैं. बहुत ही उदासी को कह रहे हैं, उदासी के बारे में कह रहे हैं कि जब वो सी से दूर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं. उनको हर चीज़ ग्रे नज़र आती है. सेकेंड स्टैंजा,
आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड. वो क्या कहते हैं, मुझे दोबारा से सी पर जाना चाहिए फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड. रनिंग टाइड मीन्स द रेगुलर चेंज इन द लेवल ऑफ द सी कॉज्ड बाय द सन एंड मून. जो उसकी टाइड्स होती हैं, वो क्या कहते हैं अब यहाँ पर, कि जो उसकी लहरें हैं, जो सी की लहरें हैं, वो मुझे कंटिन्यू बुलाती रहती हैं. इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड. वाइल्ड हेयर मीन्स पावरफुल, ओके. और इसकी जो कॉलिंग है, जो वो मुझे बुलाती हैं, वो कैसी है, वाइल्ड कॉल है, क्लियर कॉल है, बहुत पावरफुल कॉल है और बिल्कुल साफ मुझे सुनाई देती हैं कि मैं उस चीज़ को मना नहीं कर सकता हूँ. कि जब मुझे वो वापस अपनी तरफ बुलाती हैं, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर सकता हूँ. मीन्स पॉइंट वहाँ पर जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनको ये लगता है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी नेचर है, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको अपनी तरफ खींचती हैं, उनको अपनी तरफ बुलाती हैं. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. और मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ, एक बहुत ही अच्छा वेदर हो वहाँ का, वाइट क्लाउड्स उड़ते हुए नज़र आएँ, हवाएँ चलती हुई हों, एंड द फ्लंग स्प्रे. फ्लंग मीन्स टॉस, फेंकना. स्प्रे आप जानते हैं स्प्रे किसको कहते हैं. एंड द ब्लाउन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग. सी गर्ल्स अ काइंड ऑफ बर्ड, ओके, जो सी के पास रहती है, एक बर्ड होती है. स्प्यूम मीन्स स्प्रे. ब्लोन मीन्स टू मूव बिकॉज ऑफ द विंड, हवा की वजह से जो आगे को चलती है, दैट्स कॉल्ड ब्लोन. अब ये क्या कहते हैं कि सिर्फ मुझे ऐसा वेदर चाहिए जो बहुत ज़्यादा साफ हो, जब वाइट क्लाउड्स दिखाई दे रहे हों, हवाएँ चल रही हों, एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लाउन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग. और जो वहाँ की बर्ड हैं, वो भी रोती हैं, और वो क्या करती हैं, रोते हुए मुझे बुलाती हैं. वो कहती हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ. जो वहाँ की विंड है, वो चलती हैं, वो भी ऐसे लगता है कि मुझे वो सब चीज़ें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मुझे मेरी अपनी तरफ बुलाती हैं. लास्ट पैरा, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन. सॉरी, लास्ट स्टैंजा. आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ. To the gull's way and the whale's way, where the wind is like a whetted knife, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Now I must go down to the seas again. मुझे फिर से वहाँ पर जाना चाहिए. To the vagrant gypsy life. वैग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नो होम, जिसका कोई घर नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता है. जिप्सी, पर्सन हु स्पेंड्स हिज और हर लाइफ ट्रैवलिंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जिप्सी उसको बोलते हैं जब कोई एक ऐसे पर्सन होता है जो सिर्फ अपनी पूरी लाइफ को कैसे स्पेंड कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में. तो वो क्या कहता है, मैं वापस सी पर जाना चाहता हूँ और कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लाइक अ वैग्रेंट जिप्सी. जो लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लाइफ चाहिए. टू द गर्ल्स वे एंड द व्हेल्स वे, वेयर द विंड इज लाइक अ वेटेड नाइफ. और मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, जो गर्ल्स का वे है, जो व्हेल्स का वे है, जो वहाँ पे बर्ड है, जिस रास्ते को बर्ड चलती है, जिस रास्ते पर व्हेल जाती है, मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ जहाँ की हवाएं कैसी हैं, वेटेड नाइफ हैं. वेटेड मीन्स शार्प, एंड बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली है. मीन्स वो क्या कहना चाहते हैं, द गर्ल्स वे एंड द व्हेल्स वे वुड बी लाइक अ वेंडरर्स लाइफ. वो कहते हैं कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ, क्योंकि वेल एक जगह नहीं रहेगी, वो सी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहेगी. तो वो यही कहते हैं पॉइंट, कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करता रहूँ, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर, फुल ऑफ एडवेंचर हो उनकी लाइफ, बहुत ही. वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ, के जहाँ की जो हवाएँ हैं वो बहुत ही कैसी होनी चाहिए, शार्पन नाइफ की तरह होनी चाहिए, फुल ऑफ एडवेंचर होनी चाहिए उनकी लाइफ. और वो क्या चाहते हैं, एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यार्न. हेयर यार्न मीन्स स्टोरी. और मैं एक बहुत ही हैप्पी स्टोरी चाहता हूँ फ्रॉम अ लाफिंग फेरो रोवर. रोवर मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज टाइम इन वेंडरिंग, ओके. एक ऐसा पर्सन जो घूमते हुए अपना वक्त गुजारता है. वो क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसा पर्सन चाहता हूँ, फेलो रोवर मीन्स एक अपना एक साथी चाहता हूँ मैं, जो मुझे हंसते हुए बहुत ही हैप्पी स्टोरीज सुनाता रहे. यार्न मीन्स हेयर स्टोरी. एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम वैन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर. और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा वर्क ख़त्म हो जाए, वैन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, जब मेरा वर्क ओवर हो जाए, उसके बाद मैं एक बहुत सुकून की नींद सो सकूँ, और बहुत ही मीठे ख्वाब मुझे आए, स्वीट ड्रीम्स आए, और मैं बहुत सुकून से सो जाऊँ. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.